दोस्तों आज हम एक ऐसे एनिमे की बात करेंगे जिसका नाम ब्लैक क्लोवर है। यह एक मैजिकल वर्ल्ड में सेट एनिमे है। अब मैजिकल वर्ल्ड है तो हर चीज मुमकिन है यार। अब यहाँ पे हर चीज मुमकिन होती है, वहां पे कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो काफी अनरिलेटेड होती हैं। तो चलिए इस एनिमे को समझते हैं। सबसे पहले शुरुआत इसके यूनिवर्स को समझने से करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये ब्लैक क्लोवर है तो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं यार। ब्लैक क्लोवर का यूनिवर्स काफी अनोखा है, मैजिक से भरा हुआ, और इसके लिविंग क्रिएचर्स में भी काफी डाइवर्सिटी है जिसमें कई प्रकार के जीव मिलते हैं। सबसे पहले आते हैं ह्यूमंस। अब ह्यूमंस आप बोलोगे क्या बोल रहा है, ह्यूमंस तो हर जगह होते हैं। तो हाँ यार, यहाँ पे भी ह्यूमंस हैं और वो इस जगह की प्रमुख जनसंख्या है जो अपने रोजमर्रा के काम को निभाने के लिए मैजिक का यूज वगैरह करते हैं इस यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि उनके पास मैजिक है। लेकिन इसके ऊपर आते हैं एल्व्स, जिनके पास मैजिक यानी कि इस यूनिवर्स में उसको माना कहते हैं मैजिक को, वो ह्यूमन से इस मामले में ज्यादा होते हैं, यानी उनकी बॉडी में माना ज्यादा होता है और कहीं अधिक शक्तिशाली भी। उनके बाद आते हैं ड्वार्व्स, जिन्होंने सेंचुरी से अपने मैजिकल क्राफ्ट्समैनशिप के द्वारा नाम कमाया है। और अंत में आते हैं डीमंस, जो अपने पावरफुल मैजिक के साथ कई ऐसे रूप को प्रसिद्ध कर चुके हैं जो उनको काफी खतरनाक साबित करता है। यह सारे जीव इस यूनिवर्स में हैं। हाँ, कुछ और भी जीव हैं, पर लेकिन यह सब प्रमुख हैं और इम्पोर्टेंट हैं, और यह हमारा इस यूनिवर्स में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए काफी हैं। अब ब्लैक क्लोवर की इस दुनिया की ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो यह दुनिया अलग अलग किंगडम्स में बटी हुई है, जैसे कि क्लोवर किंगडम, डायमंड किंगडम, स्पेड किंगडम और हार्ट किंगडम। हर किंगडम अपने यूनिक माना यानी यूनिक मैजिक कल्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ से सबके दिमाग में एक बात तो आ ही चुकी होगी, क्योंकि हमारी एनिमे सीरीज का नाम ब्लैक क्लोवर है, तो इम्पोर्टेंट किंगडम भी तो क्लोवर किंगडम भी हुआ ना यार। यह किंगडम मैजिक के लिए फेमस है, जहाँ पे हर व्यक्ति का अपने यूनिक माना होता है जो उनकी पर्सनैलिटी और टैलेंट के अनुसार होता है। अब क्लोवर किंगडम में ये जो मैजिक है, ये सिर्फ काम के लिए काम नहीं आता, इसके अलावा भी ये सोशल स्टेटस का काम भी करता है। सोशल स्टेटस को मैजिक पावर से जोड़ा जाता है, जहाँ मैजिकलेस पीपल समाज के नीचे देखे जाते हैं। लेकिन इस मैजिकल वर्ल्ड में भी एक ऐसा लड़का है जो कि जन्म से ही माना लेस है, और वो है आस्था, स्टोरी का मेन करेक्टर। आस्था के पास कोई मैजिकल पावर नहीं है, जिस वजह से उसे सोसाइटी के नीचे देखा जाता है। लेकिन आस्था ने कभी हार नहीं मानी, मेरी तरह ना यार, कोई सब्सक्राइब नहीं करता और मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो इसी आस्था के नाम पे सब्सक्राइब कर देना। अब आगे आते हैं। उसने अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन के बल पर खुद को प्रूव किया है। उसकी कोशिशों का रिजल्ट उसको मिला जब उसको ग्रीमोर ऑफ डिस्पेयर मिली। ग्रीमोर ऑफ डिस्पेयर यानी ब्लैक क्लोवर आस्था को दी गई है। यह ब्लैक ग्रीमोर है जो आस्था को माना लेस होने के बावजूद दूसरे मैजिक यूजर्स के मैजिक को नलीफाई करने की पावर देती है। अगले किंगडम में आए तो वो है डायमंड किंगडम। यह किंगडम अपने हार्श कंडीशन और मैजिक के साइंटिफिक यूज के लिए जाना जाता है, जहाँ के लोग अपने सिटीजन्स को एक्सपेरिमेंट और एनहांसमेंट के लिए यूज करते हैं, जिससे वो मैजिकल वेपन्स बना सकते हैं। यह किंगडम की रूलिंग बॉडी अपने लोगों के ऊपर हार्श रूल करती है। फिर आता है स्पेड किंगडम। यह ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स का सबसे ठंडा किंगडम है। यहाँ पर मेजॉरिटी मैजिक यूजर्स आइस बेस्ड होते हैं। यह किंगडम को डार्क ट्रायड रूल करता है। डार्क ट्रायड में डांटे, वनेसिया, ज़ेनॉन जो डीमन मैजिक यूज करते हैं, इन्होंने किंगडम के पहले रूलर्स को ओवरथ्रो करके पावर पर अपना कब्जा कर लिया है। आखिरी है हार्ट किंगडम। अब हार्ट किंगडम में नेचर मैजिक भरपूर रूप से यूज होता है। यहाँ की क्वीन इसको तीन बार लिया तब जाके कुछ समझ में आया, फिर भी गलत हो तो यार माफ कर देना। तो लोरोपिचिका वाटर स्पिरिट उंदेने के साथ पैक्ट करके किंगडम पर रूल करती है। यह किंगडम अपने फ्रेंडली रिलेशन और पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है। अब आगे आते हैं ब्लैक क्लोवर के प्लॉट की बात करने पर। अब यहाँ पे यार एक चीज सीधी सी बताऊंगा कि इसके मैं प्लॉट की जरूर बात करूंगा, लेकिन कोई भी हैवी स्पॉइलर नहीं होगा, तो टेंशन मत लेना। ब्लैक क्लोवर की कहानी शुरू होती है दो अनाथ बच्चों से, आस्था और जूनो, जो क्लोवर किंगडम के एक गांव हागे में बड़े होते हैं।
दोनों की एक ही सपना होता है, विजर्ड किंग बनना, जिसके पास सबसे ज्यादा मैजिक हो क्लोवर किंगडम में। जूनो को एक फोर लीफ क्लोवर ग्रीमोर मिलता है, जिसके साथ वो अपनी विंड मैजिक को कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये जो जूनो है इसके पास तो भरपूर मैजिक है, लेकिन आस्था वो मैजिक लेस है, और उसको एक एंटी मैजिक वाला फाइव लीफ क्लोवर ग्रीमोर मिलता है। दोनों अपनी अपनी क्षमताओं और विल पावर के साथ अपने सपने की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें उन्हें कई चैलेंजेस और बैटल्स फेस करने पड़ते हैं। उनके साथ साथ हमें कई अन्य विशेष कैरेक्टर और उनकी यूनिक स्टोरीज देखने को मिलती हैं। उनकी एबिलिटीज के बारे में भी हमें जानने को मिलता है, जो कि इस प्लॉट को और भी कैप्टिवेटिंग बनाता है। अब इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये यूनिवर्स कितना ज्यादा बढ़िया है और टोटली फैंटेसी और फिक्शनल एलिमेंट से भरा हुआ है, और इसको देखने में काफी मजा आता है। तो आज हमने ब्लैक क्लोवर के यूनिवर्स की एक झलक देखी है, हमने इस मैजिकल दुनिया के किंगडम्स, उनके रूल्स और कुछ यूनिक कैरेक्टर्स जैसे कि आस्था को जाना है। पर यह तो सिर्फ शुरुआत है यार, असली एडवेंचर तो तब शुरू होता है जब आप खुद इस एनिमे सीरीज को देखते हो। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो हम आपको सजेस्ट जरूर करेंगे। अगली बार मिलेंगे एक नई एनिमे वर्ल्ड के साथ, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार।